आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। इसमें पोइम जो है सम्पैथी। सम्पैथी का क्या मतलब है? हमदर्दी। हमदर्दी जो U1 U3 का ये यानी ये है सबक पोइम। इसमें है पहला, आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस, मैं लेटा था दुख में बुरी तरह परेशान। My grief a proud man heard, मेरी सुनी एक घमंडी ने। यानी मैं बुरी तरह क्या था, लेटा हुआ था और एक घमंडी ने मेरी सुनी। घमंडी किसको कहते हैं? तकब्बुर। He looks were cold, he gave me gold, उसकी आंखें थी रूखी, इसने दिया मुझे सोना। But not a kindly word, लेकिन ना बोला एक भी लफ्ज हमदर्दी भरा। हमदर्दी भरा कोई लफ्ज नहीं बोला। माई सारो पास्ट आई पेड हिम बैक, गुजर गया मेरा दुख लौटा दिया इसे मैंने। द गोल्ड ही गिव मी, सोना जो इसने दिया था मुझे। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, फिर हुआ खड़ा सीधा और शुक्रिया अदा किया इसका। एंड ब्लेसेड हिज चैरिटी, और दुआएं भी इसकी हैरत के लिए। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, मैं पड़ा था गरीबी में और दुख में और दर्द में। ए पोर मैन पास माई वे, गुजरा एक गरीब आदमी मेरी रास्ते से। तो आगे है, ही बाउंड माई हेड ही गिव मी ब्रेड, उसने बांधा मेरा सर और दी मुझे रोटी। ही वॉचड मी नाइट एंड डे, की मेरी देखभाल रात दिन। हाउ शल आई पे हिम बैक अगेन, कैसे चुका पाऊंगा कर्ज इसका मैं। फॉर ऑल ही डिड टू मी, इस सब के लिए जो इसने किया मेरे लिए। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार, ओह एम होता है सोना लेकिन इससे भी एम। इन हीवनली सम्पैथी, है खुदा की तरह की जाने वाली हमदर्दी। यानी इसमें बयान करता है कि उसने क्या उसको सोना दिया, लेकिन उससे बेहतर जो है हमदर्दी किसी के साथ करना, वो सबसे बेहतर होती है। ये थी एक पोएम सम्पैथी। इसके आगे क्वेश्चन आंसर और पेज नंबर 62 पे क्वेश्चन आंसर है ना इसमें। फिर आगे हैं फिल इन द ब्लैंक से, फिर आगे क्या दिए गए वर्ब हैं, तो ये आगे हम ये करेंगे।